अगर आइंदा ऐसी कोशिश होगी तो हम लोग मुमरा की तरफ से पूरे रिक्शा बंद कर देंगे। पैनल के ऊपर हमारे ब्लेड मारा है, ये उनके पिछवाड़े की गंध है जो उन्होंने दिखाई है। आमदार साहब से डर के उन्होंने अभी ये काम चालू किया हुआ है। इन्होंने एक बैनर के ऊपर तो गणपति बाप्पा के फोटो पे भी ब्लेड मारा हुआ है। ये लोग चाहते हैं जानबूझ के मुमरा में लफड़े हुए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने आप पीछे देखेंगे कि यहाँ पर जो है बैनर लगाया गया था जितेंद्र भाट का, जो ईद मिलादुल नबी का त्यौहार आने वाला है और गणेश उत्सव के त्यौहार को लेकर यहाँ पर बैनर लगाया गया था और इस बैनर को किसी ने फाड़ दिया है और इसको लेकर जो है एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता वो आक्रामक हो गए हैं। यहाँ पर बंटी नायक, परवीन पवार, इसे तमाम लोग मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे। बंटी भाई, क्या बताएंगे आप जिस तरह से यहाँ पर बैनर फटने की जो है घटना सामने आई है? कुछ नहीं, हमने गणेश चतुर्थी के दिन लोगों को, मुमरा वासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देने के लिए बैनर लगाए थे। उसके बाद में ये हमारा बैनर लगने के बाद में इधर सामने भी कुछ बैनर लग गए। सभी लोग अपने अपने हिसाब से शुभकामनाएं दे रहे, लेकिन दो दिन पहले प्रेस के अंदर कुछ लोगों ने, ये विरोधकों ने ये बयान दिया था कि जिसके पिछवाड़े में दम रहेगा हम देख लेंगे। बैनरबाजी के ऊपर उन्होंने बात की थी, बैनरबाजी के ऊपर से कुछ नया शुरुआत किया था उन्होंने पुरापति काम। और आज देखो तो रात को देर रात हमारे बैनर फटे हुए। तो मेरा यही बोलना है कि आप कितने भी बैनर फाड़ो, ये बैनर किसने फाड़ा, कुछ ऐसी जानकारी सामने आई? अभी वो पुलिस कोशिश कर रही है, सीसीटीवी के अंदर सब हुआ है। अगर पुलिस स्टेशन के सामने मुंह पे अगर पुलिस नहीं निकाल सकती कि किसने ये किया है, तो फिर वो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है ये तो वही जाने। कुछ अभी तक फुटेज मिला नहीं? नहीं, अभी ढूंढेंगे, कंप्लेंट तो लिया उन्होंने, अभी ढूंढेंगे। एफआईआर हुआ, क्या हुआ? कंप्लेंट लिया, अभी एफआईआर लिया, क्या लिया, अभी उनको क्या लेंगे, अभी इस गुने में क्या लेना चाहिए या हमसे बेहतर पुलिस जानती है। बताए आपने घटना जो बैनर फाड़ा गया इसके बारे में आपने यहाँ के विधायक को जानकारी दी? हमने विधायक को अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दी है। विधायक साहब ने बोला कि अपने जो बैनर फाड़े हैं किसी ने वो जाने दो, अपने नए बैनर लगा दो और ऐसे समाज कंडक अपने काम करते रहेंगे। त्यौहार का ये है अवसर है, तो त्यौहार के अवसर में माहौल खराब होने वाली बात मत करो, त्यौहार मनाओ, बैनर फाड़े दूसरे बैनर बना दो। क्या लग रहा है आपको कि कौन फाड़ा है, कौन हो सकता है? ये विरोधों को नहीं फाड़ा है और मेरा तो पूरा डाउट है। ये रिदा रशीद मैडम को तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि नहीं, रिदा रशीद मैडम भी थी ना वीडियो में, रिदा रशीद मैडम और राजन किने साहब ने चैलेंज किया था कि जिसके पिछवाड़े में दम रहेगा या ऐसा कुछ बातें करके, क्योंकि लोक प्रतिनिधि को यह शोभा भी नहीं देता पिछवाड़े में दम वगैरह, लेकिन उन्होंने ये बोला। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके, ये जो बैनर के ऊपर हमारे ब्लेड मारा है, ये उनके पिछवाड़े की गंध है जो उन्होंने दिखाई है। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये पीछे आप देखेंगे कि जो एनसीपी के विधायक हैं कलवा मुमरे, उनका बैनर लगा है और ठीक इसके सामने ही खासदार श्रीकांत शिंदे और मुख्यमंत्री, और यहाँ पर देखेंगे आप राजन कीने, इनका बैनर, दोनों बैनर जो है आमने सामने यहाँ पर लगाया गया है और प्रवीण पवार भी यहाँ पर मौजूद है। प्रवीण भाई, क्या बताएंगे आप किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, बैनर फाड़ा गया है पुलिस स्टेशन के सामने जो लगा है बैनर? ये जो आमदार साहब के से जड़ डर के जिनके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसकी हुई है उनका ही ये काम है। लोगों ने तो उनको पूरे वार्ड में, गली में, मंडलों ने उनको बैनर लगाने को जगह नहीं दी तो वो रोड पे आकर बैनर लगा रहे। उनके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसकी हुई है, आमदार साहब से डर के उन्होंने अभी ये काम चालू किया हुआ है। और कुछ लोग हैं जो मुमरा शहर में, जो मुमरा का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आज गणपति विसर्जन और ईद मिलाद का भी प्रोग्राम कल है, तो ये सब मुमरा का माहौल ख़राब करने का ये काम है जो बाहर से लोग आ रहे हैं और मुमरा का माहौल ख़राब करना चाहते। पर मुमरा के लोग और मुमरा के जो स्थानीय लोग हैं वो कभी भी इन लोगों के बीच में ये नहीं खराब, मुमरा का माहौल ख़राब नहीं होंगे। और ये ऐसे आप कितने भी बैनर फाड़ो, आप आमदार साहब और हमारे भाइयों की छवि को ख़राब नहीं कर पाओगे। बंटी भाई, एक और सवाल है कि यहाँ पर देखा गया मनपा प्रशासन के लोग भी आए थे, तो आपका बैनर भी लेके गए हैं जो फटा हुआ है, शायद वो बैनर लेके गए और यहाँ भी जो बैनर लगा हुआ फटा वहाँ भी खड़े थे, तो क्या मनपा प्रशासन से आपकी बात है? क्या मनपा प्रशासन ने हमको ये बोला है कि अगर आपके बैनर फटे हैं तो ये लोगों में गलत मैसेज जाएगा, तो आपके बैनर आपके बना लो, नए बैनर तो नहीं निकालने आए थे वो लोग। लेकिन जिस एक बैनर पे इनके इतने नीचे हद तक गिर गए लोग कि इन्होंने एक बैनर के ऊपर तो गणपति बाप्पा के फोटो पे भी ब्लेड मारा हुआ है, तो इसकी सज़ा तो गणपति बाप्पा देगा। लेकिन वो बैनर हमने निकालने बोले म्युनिसिपैलिटी को कि वो ठीक नहीं दिख रहा था, अब वहाँ हमारे नए बैनर वो फिर से लगेंगे। आप क्या बताएंगे?
ये जो बैनर फाड़ा गया है ये मुमरा का क्लाइमेट बिगाड़ने का जानबूझ के कोशिश किया है विरोधियों की तरफ से, और आवाड़ साहब का जो मतलब आवाड़ साहब को पब्लिक का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट उनको देखा नहीं जा रहा है, और आवाड़ साहब के खिलाफ ये लोग हरकतें कर रहे हैं, तो ये मुमरा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आइंदा ऐसी कोशिश होगी तो हम लोग मुमरा की तरफ से पूरी रिक्शा बंद कर देंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा झूठा गुनाह दाखिल होने की वजह से मुमरा का पूरा माहौल बिगड़ गया था। ये लोग चाहते हैं जानबूझ के मुमरा में लफड़े हुए। आपने सुना कि एनसीपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ पर पीछे ये बैनर जो है लगाया गया है, इसमें तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता हैं और विधायक जितेंद्र अवार्ड की तस्वीर है, गणेश उत्सव और ईद मिलादुल नबी को लेकर ये बैनर लगाया गया है, पुलिस स्टेशन के सामने ही है। और दूसरी तरफ जो आप देखेंगे यहाँ पर राजन किने और महाराष्ट्र के जो सीएम है और खासदार श्रीकांत शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और रीदा रशीद, इनकी तस्वीर के साथ यहाँ पर बैनर लगाया गया है। ये दोनों जो है बैनर गेट बनाकर लगाया गया, दोनों आमने सामने है, और यहीं पर आज जो है जो एनसीपी के तरफ से बैनर लगाया गया है वो किसी ने ब्लेड से फाड़ दिया है। हालांकि एनसीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस संदर्भ में मुमरा पुलिस में शिकायत की है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है।